दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे इनफैक्ट में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपके पसंदीदा खेल क्रिकेट के नियमों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी के भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों क्रिकेट खेलने के लिए 42 नियम होते हैं करीब, जो इस खेल को खेलने के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। क्रिकेट के नियम MCC यानी कि मोरी लेबोन क्रिकेट क्लब द्वारा बनाए गए हैं। MCC इंग्लैंड के लंदन में स्थित एक प्राइवेट क्लब है जो अपने पास क्रिकेट खेल के नियमों का कॉपीराइट रखे हुए है। अगर कभी नियमों को बदलना पड़े तो वो सिर्फ MCC ही कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी दोस्तों एक रूल है, अगर इन नियमों में कोई बदलाव करना है तो MCC को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC से कंसल्ट करना होगा, उसके बाद इन रूल्स में कोई फेर बदल किया जा सकता है। नंबर 1, खिलाड़ी। दोस्तों इन सेट ऑफ रूल्स का पहला रूल क्रिकेट में खिलाड़ी और अधिकारियों के बारे में होता है। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग एक क्रिकेट टीम में कैप्टन को मिला के 11 खिलाड़ी शामिल होते हैं पूरे। नंबर 2, रनर्स रिटायर्ड पारी सब्स्टिट्यूट के नियम। क्रिकेट में घायल फील्डर की जगह एक ऑप्शनल खिलाड़ी को लाया जा सकता है। हालांकि एक ऑप्शन खिलाड़ी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, विकेट कीपिंग या कप्तानी का रोल प्ले कर सकता है। ऐसे में अगर हमारा पहला वाला खिलाड़ी ठीक हो जाता है तो वो वापस आ सकता है। वहीं एक ऐसा बल्लेबाज जो दौड़ने में एलिजिबल ना हो वो अपने लिए एक रनर को रख सकता है जो कि रनों को पूरा करता है, जबकि बल्लेबाज बल्लेबाजी करता रहता है। नंबर 3, अंपायरिंग का नियम। क्रिकेट में 2 अंपायर्स होते हैं जो सभी नियमों को लागू करते हैं और जितने भी जरूरी फैसले होते हैं वो अंपायर ही लेता है। जैसे क्रिकेट लवर्स को मालूम ही होगा, आउट, नॉट आउट, नो बॉल जैसे सभी फैसले अंपायर ही सुनाता है। हालांकि नेशनल और इंटरनेशनल जैसे बड़े लेवल पर होने वाले क्रिकेट मैच में एक थर्ड अंपायर भी होता है जो मैदान के बाहर स्थित और मैदान पर मौजूद अंपायर की हेल्प के लिए मौजूद रहता है। नंबर 4, स्कोर के नियम। इस खेल में 2 स्कोरर होते हैं जो अंपायर के सिग्नल्स का जवाब देते हैं और स्कोर को बनाए रखते हैं। नंबर 5, बॉल के नियम। क्रिकेट की बॉल का सरकमफेरेंस 22.4 सेंटीमीटर और 22.9 सेंटीमीटर के बीच होता है और इसका वजन 155.9 ग्राम और 163 ग्राम के बीच होता है। एक बार में सिर्फ एक ही बॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6, बैट से जुड़े नियम। बैट की लंबाई 38 इंच से ज्यादा नहीं होती है और इसकी चौड़ाई 4.25 इंच से ज्यादा नहीं होती है। बल्ले को पकड़ने वाले हाथ या ग्लव्स को बल्ले का हिस्सा माना जाता है। नंबर 7, पिच। क्रिकेट में पिच की लंबाई 22 गज और चौड़ाई 10 फीट होती है। मैदान के अधिकारी ही इसे तैयार करते हैं, लेकिन एक बार खेल शुरू हो जाने के बाद पिच पर जो कुछ भी होता है उस पर अंपायर का कंट्रोल रहता है। नंबर 8, क्रिकेट से जुड़े नियम। विकेट में लकड़ी के 3 स्टंप्स होते हैं जिनकी लंबाई 28 इंचेस होती है और हर स्टंप के बीच की दूरी इक्वल होती है। नंबर 9, बॉलिंग क्रीज और पॉपिंग के नियम। गेंदबाजी क्रीज वो लाइन है जिसके बीच में स्टंपों को रखा जाता है। नंबर 10, पिच से जुड़े नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग पिच को कैसे तैयार किया जाए, इस पर लगी घास कैसे काटी जाए और कैसे रोल किया जाए, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। नंबर 11, पिच को कवर करना। पिच को कवर करना इस बात पर डिपेंड करता है कि इस पर बाउंस करते टाइम बॉल की प्रतिक्रिया कैसी है। नंबर 12, पारी से जुड़े नियम। गेम स्टार्ट होने से पहले टीमें इस बात पर एग्री होती हैं कि क्या इसे एक पारी या 2 पारियों में खत्म होना चाहिए और क्या दोनों में से एक या दोनों पारियां समय और ओवर के हिसाब से लिमिटेड होंगी। नंबर 13, फॉलो ऑन से जुड़े नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग अगर 2 पारियों के मैच में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम से बहुत ही कम रन बनाती है तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम दूसरी टीम को बल्लेबाजी करने पर मजबूर कर सकती है। नंबर 14, पारी की घोषणा से जुड़े नियम। बल्लेबाजी करने वाली टीम के कैप्टन द्वारा बॉल के बेकार हो जाने पर किसी भी समय एक पारी के अंत की घोषणा की जा सकती है। नंबर 15, ब्रेक से जुड़े नियम। पारियों के बीच में 10 मिनट का ब्रेक और दोपहर के खाने, चाय और ड्रिंक्स के लिए भी टाइम टू ब्रेक दिया जाता है। नंबर 16, खेल को शुरू और बंद करने के नियम। खेल की शुरुआत अंपायर द्वारा खेलने के कॉल से होती है और टाइम के अकॉर्डिंग खेल खत्म हो जाता है। नंबर 17, मैदान पर प्रैक्टिस। दिन का खेल शुरू होने से पहले और खेल खत्म होने के बाद पिच पर बल्लेबाजी या गेंदबाजी की कोई भी प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। गेंदबाज सिर्फ रनर अप की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर अंपायरों का मानना है कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा तो। नंबर 18, रन बनाना। रन तब बनते हैं जब 2 बल्लेबाज पिच पर एक दूसरे के छोर तक दौड़ लगाते हैं। नंबर 19, बाउंड्री। बाउंड्री खेल के मैदान के किनारे चारों ओर मार्क की जाती है। जब किसी गेंद को इस बाउंड्री के अंदर या इसके बाहर मारा जाता है तो 4 रन बनते हैं, या अगर गेंद ने बाउंड्री को पार करने से पहले जमीन को टच नहीं किया तो वो 6 माना जाता है। नंबर 20, लॉस्ट बॉल। अगर खेल में कोई बॉल खो जाती है तो फील्डिंग करने वाली टीम लॉस्ट बॉल की मांग कर सकती है। नंबर 21, रिजल्ट। जो टीम ज्यादा रन बनाती है वही मैच की विनर टीम बनती है। अगर दोनों टीमें बराबर रन बनाती हैं तो दोनों के बीच में टाई हो जाता है। नंबर 22, ओवर।
एक ओवर में वाइड और नो बॉल छोड़कर 6 गेंदों की गेंदबाजी होती है। नंबर 23 डेड बॉल। डेड बॉल खेल में उस समय आती है जब गेंदबाज अपनी दौड़ शुरू करते हैं और ये उस समय बेकार हो जाती है जब उस केंद्र से सभी तरह के एक्टिविटीज खत्म हो जाती है। एक बार जब गेंद बेकार हो जाती है तो कोई भी रन नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 24 नो बॉल। अगर गेंदबाज गलत जगह से गेंदबाजी करता है या अगर गेंद फेंकने के दौरान वो अपनी कोहनी को सीधा कर लेता है तो उस बॉल को नो बॉल घोषित कर दिया जाता है। नंबर 25 वाइट बॉल। अंपायर किसी गेंद को वाइट बॉल बता सकता है अगर उसकी नजर में बल्लेबाज के पास उस गेंद से रन बनाने का एक सफिशिएंट मौका नहीं मिला हो तो। नंबर 26 बाय और लेग बाय। अगर कोई गेंद जो एक नो बॉल या वाइट बॉल नहीं है वो स्ट्राइकर के सामने से गुजर जाती है और उस पर रन बनाए जाते हैं तो उसे बाय रन कहा जाता है। अगर कोई गेंद जो एक नो बॉल नहीं है और स्ट्राइकर को लगती है लेकिन बल्ले को नहीं लगती और उस पर रन बनाए जाते हैं तो उसे लेग बाय रन कहा जाता है। नंबर 27 अपील। अगर फील्डर्स का मानना है कि बल्लेबाज आउट है तो वो अंपायर से पूछ सकते हैं हाउ इज दैट। नंबर 28 विकेट। आउट होने के कई तरीके होते हैं। जब विकेट नीचे गिरा दिया जाता है इसका मतलब ये है कि विकेट को गेंद से मारा गया है। नंबर 29 बल्लेबाज के ग्राउंड से बाहर जाने के बारे में। बल्लेबाज रन आउट या स्टंप आउट हो सकता है अगर वो अपने स्थान से बाहर चला जाए तो। नंबर 30 क्लीन बोल्ड के नियम। एक बल्लेबाज उस कंडीशन में आउट होता है अगर गेंदबाज द्वारा फेंकी गई एक बॉल उसके विकेट को नीचे गिरा दे। नंबर 31 टाइम आउट। एक नए आने वाले बल्लेबाज को न्यू बल्लेबाज के आउट होने के 3 मिनट के अंदर बॉल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 32 कैच आउट। अगर एक बॉल बल्ले को पकड़ने वाले हाथ को लगती है और उसके बाद गेंद के बाउंस होने से पहले बॉल को मैदान के अंदर दूसरे खिलाड़ी द्वारा कैच कर लिया जाता है तो बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है। नंबर 33 बॉल को हैंडल करना। अगर कोई बल्लेबाज ऑपोजिट टीम की सहमति के बिना खुद से ऐसी बॉल को एक हाथ से हैंडल करता है जो बल्ले को नहीं छूती तो वो आउट हो जाता है। नंबर 34 बॉल को 2 बार बल्ले से छूना। अगर कोई बल्लेबाज सिर्फ अपने विकेट को बचाने के इरादे या ऑपोजिट टीम की सहमति के अलावा गेंद को 2 बार मारता है तो वो आउट हो जाता है। नंबर 35 हेड विकेट। अगर गेंदबाज अपने गेंद फेंकने के एरिया में एंटर कर लेता है और जब गेम खेल के बीच में होता है ऐसे में कोई बल्लेबाज अपने बल्ले या शरीर से विकेट को नीचे गिरा देता है तो वह आउट हो जाता है। नंबर 36 लेग बिफोर विकेट। अगर गेंद पहले बल्ले से टकराए बिना बल्लेबाज को लग जाती है लेकिन अगर बल्लेबाज वहां नहीं होता तो वो गेंद विकेट को लग जाती है और अगर गेंद विकेट के लेग साइड पर पिच नहीं करती है तो बल्लेबाज आउट हो जाएगा। नंबर 37 फील्ड में बाधा डालने का नियम। अगर कोई बल्लेबाज जानबूझकर ऐसी एक्टिविटी करता है जो फील्ड में बाधा डाल सकती है तो उसे आउट कर दिया जाएगा। नंबर 38 रन आउट। एक बल्लेबाज उस कंडीशन में आउट हो सकता है जब गेंद के खेल में रहने के दौरान किसी भी समय उसके बल्ले का कोई भी भाग या वो खिलाड़ी पॉपिंग क्रीज से पीछे रह जाता है और उसके विकेट को अंदर टीम द्वारा स्पष्ट रूप से गिरा दिया जाता है ऐसे में रन आउट होता है। नंबर 39 स्टंप। एक बल्लेबाज उस कंडीशन में भी आउट हो जाता है जब बल्लेबाज अपने क्रीज से बाहर है और रन लेने की कोशिश नहीं कर रहा है और विकेट कीपर विकेट को नीचे गिरा देता है। नंबर 40 विकेट कीपर। विकेट कीपर गेंदबाजी करने वाली टीम की ओर से वो खिलाड़ी है जो बल्लेबाज के स्टंप्स के पीछे खड़े रहने के लिए चुना गया है। वो अपनी टीम का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसे दस्ताने और बाहरी लेग गार्ड पहनने की परमिशन दी गई है। नंबर 41 फील्डर्स। गेंदबाजी टीम के सभी 11 क्रिकेटर्स फील्डर होते हैं। फील्डर को गेंद पकड़ने के लिए, रनों और चौकों को रोकने के लिए, कैच आउट वगैरह करने के लिए मैदान पर रखा जाता है। और दोस्तों हमारा 42वां और सबसे आखिरी नियम होता है फेयर और अनफेयर गेम। तो दोस्तों कैसे लगे आपको क्रिकेट रूल्स हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।